मूवी स्टार्ट होती है तो ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सेनेटोरियम दिखाया जाता है और ये सेनेटोरियम बेसिकली डी फार्म लोगों के लिए बनाया गया था। और जो डी फार्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर सॉटूथ और वन आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिलीगर को एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें हिलीगर ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और यही नहीं डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट कहता है, हालांकि वो अभी बच्चे थे। और उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपनी दो उंगलियां ही चबा गया और वो ही था थ्री फिंगर, एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली और इसलिए वो था वन आई, और तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था और इसीलिए वो सॉटूथ था, और उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछते हैं कि ये तीनों इतनी सारी पेन को कैसे बेयर कर लेते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें बताते हैं कि इनको तो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उस पिन के जरिए लॉक खोलने लग गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था। और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं, जिस पर वो पिन उनकी तरफ फेंकता है और उन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी थ्री फिंगर लॉक को खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। और इसके बाद से ही वो जगह पूरी तरह मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करवाते हुए उससे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और फिर 29 इयर्स गुजर जाते हैं और 29 सालों के बाद 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उस वक्त वो सब स्नो को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने एक फ्रेंड कैबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। और इसी दौरान वहां पर मौजूद उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वहां पर जाने की उन्हें इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। और वो बिल्डिंग वो ही सेनेटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये उनकी नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह पर जाकर उस जगह की अच्छे से तलाशी ली जाए। और वो पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिल जाती है और वहीं पर उन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डी फार्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सेनेटोरियम में पहुंच जाते हैं। उन स्टूडेंट्स में से तीन नाइट स्पेंड करने के लिए बेड्स को चेक करने के जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है। उन तीनों में से लड़का विंसन चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसकी शाउट करने की आवाजें आती हैं, जिस पर बाहर खड़ी वो लड़कियाँ जैना और कैनी डर जाती हैं, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसन को ढूंढने जाती हैं। विंसन उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है और उन्हें डरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। और तभी वन आई उनका पीछा कर रहा होता है। उन सब से माफी मांगने के लिए विंसन अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है और फिर वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो सब अमेरिकन स्टूडेंट्स थे और किसी सुनसान जगह पर उनका दूसरा रूल ये होता है कि जब लाइट आ जाए तो पार्टी करें, और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन हिलीगर ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था। वो बताती है कि वो लोग बड़े खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं आता और सब सोने चले जाते। रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं लेकिन विंसन को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रेंड वॉटर था जिसके कैबिन में उन्होंने जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है और उसे कुछ
सोचने समझने की मोहलत दिए बगैर सौ तो उसके सर में एक आयरन रॉड घुसा कर उसे मार देता है। जब सुबह हो जाती है तब भी तूफान रुका नहीं था और वो अभी तक वहीं पर होते हैं। वहां पर विंसन मिसिंग होने की वजह से जैना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था और इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था। इस पर वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसन उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें चार स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं और वहां पर उन्हें अजीबोगरीब किस्म का केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट को रखा जाता था। और जब वो आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में वो सब मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले जाते हैं और तब जैना किचन में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सौ तूत बॉटल के टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सौ तूत को ले जाता है। तब जैना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी बॉटल की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब कैनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो जैकेट को खोल कर देखती है तो वो देखती है कि उसमें बॉटल का कटा हुआ सर है। अभी वो सब संभले भी नहीं थे, वो तीनों भाई बालकनी से एक बाल वायर नीचे फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब कायल उसके पांव पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो कायल को बचा नहीं पाता और उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नोमोबाइल चल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। लॉरेन जो कि स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करते हैं कि वो स्की करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद लाने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे। तब वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन लेते हैं। वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं था, हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार भी देखे थे और इसीलिए काइल, डेनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहां पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहां से जाता है वो बहुत सारे हथियार लेकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में हॉल करके कैनिया को पकड़ लेता है। इस पर ब्रिजिट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो कैनिया को छोड़ देता है और वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सौ तो डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सारा जब ऑफिस में पहुंचती हैं तब वो देखती हैं कि उनके पीछे डैनियल नहीं था जबकि वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं जिसकी चीखें वो सब सुन सकते थे। और लास्ट में बहुत सारी बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं। तब काइल देखता है कि वो तीनों उसकी मसल्स को काट कर तेल में फ्राई कर खा रहे थे और डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा हुआ देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचते हुए वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन कैनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसलिए मना करती है क्योंकि शायद उसकी इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी। वो काइल को उन पर पहरा देने के लिए वहां पर रुकने को बोलते हैं और खुद जाकर सो जाते हैं। और यहाँ बदकिस्मती से वो उसी सेल में लॉक थे जहाँ पर वो 29 साल तक लॉक रहे और सबसे बड़ी बात ये कि जिस पिन से उन्होंने वो लॉक खोला था अभी भी वो पिन वहीं पर ही पड़ी थी। और जब काइल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सौ तो काइल को पकड़ लेता है। और जब कैनिया काइल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और वहां पर वो देखती है कि ना तो वहां पर काइल है और ना वो तीनों सेल में है। वो वापिस आकर सबको बताती है और तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है और वो सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। फिर वो उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं, तब वो देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं था बल्कि वो काइल था जिसकी जुबान कटी हुई थी। उसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों भाई बुरी तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सब उनके रूम्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। वो सब अपने जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं लेकिन वो एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी विंडोज सील्ड थी और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सौ तूत उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जैना बाहर निकल नहीं पाती और वो वहीं फंस जाती है। और तब
सॉटूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं की स्नोमोबाइल पर उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है, जिस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है, जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी होती है। और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मेन रोड उसके सामने ही था, जो तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया और वो हिम्मत हार कर वहीं बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचते हैं, और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन आई उसके पीछे पड़ा होता है। अभी वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो अपनी स्नोमोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। वो दोनों बहुत खुश होती है, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया होता है। वो इतनी खुश होती है कि वहां पर लगी हुई वायर्स उन्हें नजर नहीं आती और उन दोनों का सर से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उनके सर उठाकर ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर ही पड़ी रहती है। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।